हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू प्रियदर्शनी टॉक्स। प्रियदर्शनी टॉक्स में आप सभी का मैं और मेरा बाबा रुद्रवीर बाबा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो आई एम योर अगेन टू टेल अ स्टोरी ऑफ पंचतंत्र टू यू ऑल। सो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है युक्ति। एंड लुक एट हिम फर्स्ट। बाबू से हाय टू एवरीवन। So the title of the story is युक्ति। एक बहुत समय की बात है, एक बरगद का विशाल और बहुत पुराना पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के छेद में, कोटर में जो घोंसला होता है वो बनाकर कौवा दंपति बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। लेकिन जब भी कौवी बेचारी अंडा देती तो उसी पेड़ के कोटर में एक नाग रहा करता था और नाग झट से अंडे चट कर जाया करता था। बार बार ऐसा ही होता था। कौवा दंपति जो थे, कौवा और कौवी बड़े ही निराश थे। एक बार कौवा ने ये निराशाजनक बात अपने मित्र गीदड़ को कह सुनाई तो गीदड़ ने एक युक्ति सुझाई। गीदड़ ने कहा कि तुम बस रानी का हार लाकर इस कोटर में डाल दो जहाँ नाग रहा करता है। कौवे ने कहा कि क्यों? तो गीदड़ ने कहा बस तुम मेरी ये युक्ति मानो, मेरी ये बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ बस तुम इतना ही करो। कौवे ने जाकर कौवी को ये बात कही। कौवी ने वैसा ही किया। सुबह सुबह जब रानी अपने सारी सेविकाओं के साथ तालाब में नहा रही थी तो उसने अपने हीरो का हार खोलकर साइड में रख दिया था और तालाब में वो नहाने निकली थी। तो कौवी ने झट से, जैसे ही रानी ने अपने हीरो का हार खोलकर रखा, कौवी ने झट से उस हार को लिया और उड़ चली। रानी की नज़र तो कौवी पे पड़ी। उसने अपने सेविकाओं से कहा, अपनी सखाओं से कहा, अरे देखो देखो कौवा मेरा हार लेके जा रहा है, पीछा करो। तो सारी सखाएं उनकी दौड़ पड़ी, साथ ही साथ जो अंगरक्षक होते हैं वो भी बाहर से, वो भी सिपाही दौड़ पड़े। और दौड़ते दौड़ते कौवे का उन्होंने पीछा किया। कौवी तो जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रही थी ताकि लोग उसका पीछा कर सके और निश्चित स्थान पर आ सके युक्ति के अनुसार। तो लोगों ने उसका पीछा किया उस कौवी का। कौवी ने लास्ट में बरगद के पेड़ के उस कोटर में आकर हार डाल दिया जहाँ नाग रहा करता था और खुद ही स्वयं ऊपर वाले डाल पे बैठ के काव काव करने लगी। तो सिपाहियों ने तो देख लिया कि हार तो उस कोटर में इसने कौवे ने डाल दिया और भाले से वो उन्होंने कोटर के अंदर भोंकना शुरू किया। भाले से भाला अपने अंदर उसके अंदर डालना शुरू किया पेड़ के उस कोटर के अंदर, छेद के अंदर, कि हार खोजा जा सके, हार निकाला जा सके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉज, माई सन इज अवेक एंड ही इज प्लेइंग, ताकि हार निकाला जा सके। और अंत में जब इतनी बार भाले के जो वार से वो नाग एक्चुअली घायल हो रहा था और वो नाग बहुत ज़्यादा घायल हो गया और बिलबिला के वो जल्दी से उस बिल के बाहर निकल आया, उस कोटर से बाहर निकल आया। और लोगों ने जब नाग को उस बिल से बाहर निकलते देखा तो लोगों ने उसी समय उस नाग को मार डाला। तो यहाँ स्टोरी एंड होती है। इस स्टोरी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही सीखने को मिलता है कि एक अच्छा प्लान हमारी बहुत बार लाइफ सेव कर सकता है, एक अच्छी युक्ति बहुत बार कमाल कर दिखाती है। इसीलिए अच्छे से प्लान करके जो भी करना है हमें अच्छे से प्लान करके करना चाहिए। दैट कैन सेव योर लाइफ एट टाइम्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज प्रियंका प्रियदर्शनी सिंह। टाटा बाय बाय टू दिस शो, टू दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन, क्योंकि क्लिक करने के, सब्सक्राइब करने के एंड लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, कोई ज्यादा डेटा खर्च नहीं होता इससे, बल्कि लाइक करने से हम यूट्यूबर्स को एक मोटिवेशन मिलती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो आप प्लीज लाइक करें। और अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज प्रियदर्शनी टॉक्स। एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन रिमेन अपडेटेड एज सून एज आई अपलोड एनी वीडियो, यू कैन रिमेन नोटिफाइड। शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स, लाइक इट इफ यू रियली हैव लाइक्ड इट, कमेंट ऑन इट। टेक केयर, बाय बाय। कीप शाइनिंग, कीप लविंग योर लाइफ लाइक एनीथिंग, एंड कीप living every minute of your life, every second of your life. Tata, bye bye, love you all, God bless.